क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 days एज अ विदर स्केलेटन। सोचो कि आप एक बेबी विदर स्केलेटन और एकदम से आप बदल जाते हो एक म्यूटेड विदर स्केलेटन में। तो एज अ विदर स्केलेटन मैं रहता था फोर्टेस में, जहाँ पे हम लोग के ऊपर हमला होता है काफी सारे घास्ट का, और मुझे मारना है काफी सारे और बॉसेस को, जैसे कि पिगलिन बीस्ट को, म्यूटेंट स्केलेटन और भी काफी सारे म्यूटेंट एंटिटीज को मुझे मारना पड़ेगा। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 days एज अ विदर स्केलेटन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक में रखते हम 30,000 लाइक्स, और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से जाके उसे दबा दो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता है एज अ बेबी विदर स्केलेटन, जो कि एकदम छोटा सा और क्यूट सा था। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने आर्ट्स है, तो मुझे पता चलता है मेरे पास तो है बस 7 आर्ट्स। तो मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक फोर्ट्रेस जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था। तो मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखता है कि आगे से एक विदर स्केलेटन आ रहा था, और मुझे बताता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। और उसके बाद मुझे बताता है कि तुम अभी अभी स्पॉन हुए हो, तो इस एरिया में तुम्हें अच्छे से बच के रहना पड़ेगा काफी सारे लोगों से। उसके लिए मुझे दे देता है एक सॉर्ड, मैं जल्दी से इसको रख लेता हूँ। और ये स्टोन की सॉर्ड थी जो कि ये लेके आया था दूसरे वाले वर्ल्ड से, तो मैं जल्दी से रख लेता हूँ। और ये सॉर्ट तो मेरे से ज्यादा बड़ी थी, तो इतना सब बोलने के बाद यहाँ से वो चला जाता है। मैं अपनी इन्वेंटरी देखता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक विदर रोज भी मिलता है जो कि हर एक विदर स्केलेटन के पास होता है। मैं दूर में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते कुछ ब्लेजेस, मैं जाके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मुझे देखता है मुझसे बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पे कैसे घूम सकते हो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ उससे पहले कि कोई घास आके हमें मार डाले। उससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता कि घास कौन है क्यों मारी, वो हमारे पीछे आ जाती है। तो ब्लेज जाती है सीधा उसको मारने के लिए, लेकिन बिना रुके उस पर फायर बॉल से मारते रहती है। और काफी देर तक इनकी लड़ाई चलने के बाद आखिरकार घास उसे मार डालती है और सीधा मेरे पास आती है और मेरे ऊपर भी फेंकती कुछ फायरबॉल। तो मैं से पूछता हूँ कि तुम हम सबको क्यों मार रही है, तो कुछ बोलती नहीं और वापस से मेरे ऊपर कुछ फायरबॉल फेंकना चालू कर देती है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ और उसके बाद मेरा पीछा करते रहती है बिना रुके। और मैं देखता हूँ आखिरी में था बहुत सारा लावा, तो मैं इसके पार नहीं जा सकता था। लेकिन तभी ऊपर में कोई तो एक आदमी था अजीब सा मास्क पहना हुआ, वो सीधा कूदता है नीचे की तरफ मेरे पास आता है और फिर घास उसको देखते मारना चालू कर देती है। तो कुछ फायरबॉल्स खाने के बाद पता नहीं एकदम से खोल जाता है और काफी सारे छोटे वाले विदर स्केलेटन को स्पॉन करता है। और ये देख के पता नहीं घास वहां से भागना चालू करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये कौन है और घास की उड़ रहे से। तो जैसे मेरे पास आता है मैं से पूछता हूँ कि है कौन, तो ये मुझे बताता है कि मैं एक विदर नेक्रोमेंसर हूँ और मैं सारे विदर्स को स्पॉन करता हूँ इस वर्ल्ड में, और तुमको भी मैंने स्पॉन किया था। उसके बाद ये मुझे बताता है कि घास जो है फोर्ट्रेस में कब्जा करना चाहते हैं। तो ये मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत कम हो गई थी। तो जल्दी से मैं खा लेता हूँ थोड़ा पोर्क चॉप, उसके बाद मेरी हेल्थ वापस से फुल हो जाती है। तो इतना सब बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो अगले कुछ दिन मैं पूरा फोर्ट्रेस घूमते रहता हूँ और आखिरकार घूमने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है डेड एंड, जहाँ पे मुझे दिखता है एक बहुत सही वाली सिटी जो कि पता नहीं किसकी थी लेकिन दिखने में काफी ज्यादा सही थी, पूरी ब्लैक स्टोन से बनी हुई। मैं सीधा खुदता हूँ घर में, उसके बाद उससे छोटे वाले घर में मैं सीधा खुदता हूँ ग्राउंड में, थोड़ी बहुत हेल्थ जाती है। तो जैसे मैं आगे जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक पोस्टर में दिखता है कुछ विदर जैसा। तो मैं जैसे थोड़ा सा दूर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ विदर स्केलेटन दिखते हैं, यानी कि ये जो था ये विदर स्केलेटन का टाउन था छोटा सा। मुझे एक बिल्डिंग के टॉप में दिखता है वो नेक्रोमेंसर जो कि पता नहीं कहीं पे तो जा रहा था। उसके बाद मैं एक घर के अंदर घुसता हूँ जहाँ पे मुझे मिल जाते काफी सारे एग्स जो कि गोल्ड के होते हैं, इनको मैं रख लेता हूँ। और साथ में मुझे मिल जाता है रेड फंगस का स्टिक जिसको मैं रख लेता हूँ अपने पास। सीधा यहाँ से बाहर निकलता हूँ और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर मुझे मिल जाता है गोल्डन हेलमेट, तो जल्दी से मैं उसको रख लेता हूँ अपने पास। साथ में मुझे मिल जाता है एक बेस्टियन रेमनेंट का मैप, और मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ घास के टीयर, यानी कि इन लोगों ने घास को मारा था। जल्दी से हेलमेट पहन लेता हूँ मैं, उसके अंदर मैं मैप देखता हूँ। तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर था वैसे वो जगह, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं जैसे बढ़ता हूँ मेन सिटी में, यहाँ पे काफी सारे विदर स्केलेटन थे और साथ में बहुत सारे घास थे, तो बिना रुके घास इनको मारना चालू करते अपनी फायर बॉल से। तो ये लोग कुछ घास को निपटा भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे घास रहते हैं तो काफी सारे विदर स्केलेटन भी मर जाते हैं, उनकी हड्डी और कोल मिल जाता है। तो एक घास मुझे भी देखता है, मुझे मारना चालू करता है, तो मैं उसे वापस से भागना चालू करता हूँ। तो जल्दी से मैं इस बार भागता हूँ, और इस बार मुझे बचाने के लिए कोई वो भी नहीं था नेक्रोमेंसर, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ता है। और मेरे पास जो स्टिक थी उसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्राइडर आ जाता है मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं जल्दी से उनमें से एक में बैठ जाता हूँ और फिर वापस से घास मुझे मारना चालू करती है फायर बॉल, तो मैं जल्दी से उसे बचना चालू करता हूँ। और क्योंकि मैं स्ट्राइडर में था तो स्ट्राइडर लावा में बहुत स्पीड भागते हैं, तो फिर घास वहां से भाग जाती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ मैप को और जल्दी से मैं उस डायरेक्शन में बढ़ते जाता हूँ उस जगह पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या मिलना है। तो काफी दिनों तक चलने के बाद मुझे आखिरकार मिल जाता है बेस्टियन जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और सही था। तो मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ और मैं जल्दी से वहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे स्ट्राइडर को रख लेता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम यहीं पे रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं जल्दी से इस जगह पे पहुंच चुका था, तो मैप को मैं देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा क्लोज था। तो मैं जल्दी से इस बेस्टियन को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलता है एक चेस्ट जहाँ मुझे एक एंशियंट डेब्रिस मिलता है, उसको मैं रख लेता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और काफी देर तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक और चेस्ट जहाँ मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिल जाते हैं, काफी सारे एरोज मिल जाते हैं, इन सबको भी रख लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ सीधा इसके टॉप वाले फ्लोर में, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे पिगलिंग लोग पता नहीं क्यों नाच रहे थे और एक अजीब सा म्यूजिक भी बज रहा था। तो यहाँ पे मुझे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखता है एक जूक बॉक्स। मैं जल्दी से आता हूँ उसके पास और सही में यार म्यूजिक काफी अच्छा था। तो जल्दी से मैं यहाँ पे मैप देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं इसी चीज के लिए आया था इतना दूर। तो जल्दी से मैं म्यूजिक डिस्क को बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पे म्यूजिक रुक जाता है। तो जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच में मुझे देख लेता है एक पिगलिन और बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं लेके जा सकते इसको, और मुझे मारना चालू करता है। तो मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ ऐसे रूम में जहाँ पे मुझे दिखता है एक पिगलिन ब्रूट जो कि पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था।
और यहीं पे एक चेस्ट होता है जहाँ पे मुझे मिल जाते हैं काफी सारे आयरन इंगट, मुझे डायमंड की पिकेक्स मिलती है जिसमें मेंडिंग था, काफी सारे एरोज मिल जाते हैं, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक और चेस्ट मुझे मिल जाते हैं काफी सारे कैरेट। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि किसी को तो यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है इस पिगलिन ब्रूट ने। मुझे यहाँ पे दिखता है एक प्लेयर जिसका नाम था फ्लिक अंपायर, जल्दी से मैं इसको बाहर निकलता हूँ। तो मैं से पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा है और बंद कैसे हुआ था, तो ये मुझे बोलता है। तो मैं से पूछता हूँ लेकिन तुम इस वर्ल्ड में आए कैसे, तो ये मुझे बताता है कि एक पोर्टल होता है जिसको इस चीज से एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम था फ्लिंट एंड स्टील, तो इससे आग लगती थी, लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से आ जाता है एक पिगलिन ब्रूट और उसे मार देता है। इसके बाद मुझे बोलता है कि एक छोटा सा 10 स्केलेटन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है और तुमने उसे जेल से बाहर क्यों निकाला। तो इतना सब बोलने के बाद मुझे भी एक फाइट मारता है, तो जल्दी से मैं यहाँ से भागता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। तो जल्दी से मैं ग्राउंड वाले फ्लोर में पहुंचता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखता है मेरा स्ट्राइडर। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ, जैसे मैं बैठने वाला होता हूँ, मेरे ऊपर हमला कर देता है वो पुराना वाला पिगलिन। तो जल्दी से मैं बैठ के यहाँ पे भाग जाता हूँ और अब वो कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। थोड़ा आगे जाते ही पता नहीं लावा के अंदर से एक पिगलिन बीस्ट बाहर आता है जो कि लावा के ऊपर चल सकता था। तो मैं जल्दी से उससे भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो स्ट्राइडर से भी बहुत ज्यादा तेज था लावा के ऊपर और सीधा मारता है एक फाइट स्ट्राइडर को, स्ट्राइडर यहाँ पे मर जाता है। मैं सीधा लावा में गिरता हूँ लेकिन मुझे लावा से पता नहीं कुछ क्यों नहीं होता। मैं आता हूँ जमीन में और मैं देखता हूँ कि वो नहीं आ सकता था जमीन पर, और मुझे बोलता है कि जो भी चीज तुमने चोरी किया है उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, और इतना सब बोल के वापस से लावा में चला जाता है। लेकिन ऐसे मेरे स्ट्राइडर वाले दोस्त को मारा था तो मैं उसका बदला लूंगा, आरआईपी स्ट्राइडर भाई। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखती है वो जगह जहाँ पे मुझे फ्लिक अंपायर ने बोला था पहुंचने के लिए, और यहाँ पे मुझे दिखता है एक टूटा हुआ पोर्टल। तो जल्दी से मेरे पास कुछ ऑब्सीडियन थे, मैं उसको लगाता हूँ और गलती से एक मेरे से लग जाता है गलत, तो उसको जल्दी से तोड़ना पड़ता है। फिर मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, पूरा पोर्टल बन चुका था, जल्दी से एक्टिवेट करता हूँ और मैं सीधा घुसता हूँ पोर्टल में, और पता नहीं कुछ तो होता है अजीब सी चीज और मैं पहुंच जाता हूँ एक नए वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज दिखने में काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी सारे पेड़ थे और काफी सही आसमान भी था। तो जल्दी से मुझे जो गोल्डन कैरेट मिलता है उसे मैं खा लेता हूँ, जैसे खाता हूँ मैं एकदम से बन जाता हूँ बड़ा वाला विदर स्केलेटन। तो उसके बाद अब मेरे पास और भी ज्यादा ताकत हो चुकी थी और बड़ा हो चुका था, तो अब जल्दी से मुझे इस वर्ल्ड को पूरा एक्सप्लोर करना था और मुझे अपने उस स्ट्राइडर दोस्त का बदला भी लेना था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ एक जगह पे, काफी दिन तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिलता है एक शिप। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक म्यूटेंट पिलेजर जो कि शायद पायरेट भी था, जो कि एकदम खतरनाक दिख रहा था। तो मुझे यहाँ पे दिखती है लेडर, तो मैं जल्दी से उसकी मदद से पहुंचता हूँ एकदम टॉप में। जैसे मैं आता हूँ मुझे देखता है और बिना रुके मुझे मारना चालू करता है पहले, लेकिन मैं इसे आसानी से मार देता हूँ अपनी शॉट से। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुंचता हूँ नीचे, तो यहाँ पे इनके पास काफी सारी लूट थी, तो जैसे मैं इनके बोलता हूँ कि कुछ ले सकता हूँ, बिना रुके लोग मारना चालू करते हैं और पता नहीं ये पायरेट में बहुत ज्यादा दम था। मैं इनको निपटा देता हूँ जल्दी से इनकी वाली शॉट से जिसका नाम था पायरेट शॉट। तो इन तीनों को निपटा देता हूँ और जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे ट्राइब्स और यहाँ पे शायद इनका कोई मंदिर था, इनका गॉड होगा स्टीव। तो जल्दी से मैं तोड़ता हूँ, यहाँ पे चेस्ट मुझे मिल जाता है गोल्डन एप्पल, इसको मैं रख लेता हूँ। मैं बढ़ता हूँ आगे तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक विलेज और वहाँ पे मुझे दूर में दिख रहा था एक फार्मर। तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो मैं जल्दी से जाता हूँ उसके पास। मैं से बोलता हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मुझे बोलता है कि पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं से बोलता हूँ कौन सी हेल्प, तो मुझे बताते हैं कि कुछ अजीब से टाइप के स्केलेटन जो कि बिना रुके विलेजर्स को मार रहे और उनको अपने ऐसा स्केलेटन में कन्वर्ट कर रहे, और साथ में इनका बॉस है वो म्यूटेंट स्केलेटन जिसने कि ना जाने कितने सारे गोलम्स को मार दिया अभी तक के। तो मैं से बोलता हूँ ठीक है मैं मार दूंगा, उसके बदले में ये मुझे देता है काफी सारे ब्रेड और मुझे बोलता है कि अब तुम्हें रात तक का इंतजार करना होगा और मुझे घर तक के भी लेके जाता है। तो मैं अंदर जाता हूँ सीधा और मुझे नहीं पता था कि वो लोग कितने खतरनाक होंगे, तो मैं रात होने का इंतजार करता हूँ। जैसे रात होता है मैं देखता हूँ कि वो विलेजर सो चुका था, तो मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ और मैं असलियत में देखता हूँ यहाँ पे काफी अजीब से टाइप के स्केलेटन थे। तो मैं जैसे इनके पास जाता हूँ इसमें से एक तो पता नहीं मेरे ऊपर कुछ तो ब्लैक कलर का फेंक देता है, मैं उससे दूर रहता हूँ। यहाँ पे मुझे देखता है एक स्केलेटन जो कि थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था, तो मैं से बोलता हूँ कि तुम लोग इन विलेजर को परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये मुझे बोलता है कि तुम भी तो एक विदर स्केलेटन ही हो, तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाता हूँ। तो मैं उसके पीछे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक अजीब से जंगल में लेके आता है जहाँ पे पता नहीं कोई तो अजीब सी लड़की दिखती है मुझे और यहाँ पे वही टाइप के स्केलेटन होते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं कोई तो उनका सीक्रेट बेस था शायद, तो मैं उसके पास जाता हूँ और ये सीधा खुद जाता है नीचे। तो नीचे मैं देखता हूँ तो मुझे पानी दिखता है, तो मैं खुदता हूँ लेकिन मैं गलत खुद जाता हूँ और ये भी मुझे देख के हंस रहा हूँ कि मुझे खुदना भी नहीं आता है। लेकिन वो मुझे बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और पता नहीं यहाँ का बॉस था शायद, तो मैं बिना रुके इसका पीछा करता हूँ और मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ एक ऐसे रूम में जहाँ पे अजीब से सही वाले लैंटर्न दिखते हैं। और तभी यहाँ पे आता है वो म्यूटेंट स्केलेटन जो कि जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है हाँ एक विदर स्केलेटन देखने को मिला है काफी दिन के बाद, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें काफी सही चीजें दूंगा। तो मैं इसकी बात मान जाता हूँ और उसके बदले में ये मुझे देता है काफी सारे यहाँ पे आर्मर, तो मैं उन्हें अपने पास रख लेता हूँ और उसके बाद पहन भी लेता हूँ, तो एकदम सही दिख रहा था मैं। उसके बाद ये मुझे बताता है कि मुझे किसे मारना है और उस जगह तक का लोकेशन भी बता देता है। तो मैं जल्दी से जगह से बाहर निकल जाता हूँ और इस जंगल से होते हुए मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ। तो काफी दिन तक चलने के बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ उस कैसल के पास जहाँ पे मुझे मिलने वाला था वो म्यूटेंट हॉगलिन। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ कैसल बहुत ज्यादा सही दिख रहा था, लेकिन इस कैसल के बाहर खड़े थे कुछ म्यूटेंट स्नो गोलम। तो मैं इनके पास जाता हूँ और मैंने बोलता हूँ कि मुझे अंदर जाने दो और मुझे इनके बॉस को मारना है। तो ये बोलते हैं कि उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है अभी तुम्हें मरना है तो मरो। तो फिर ये मेरे ऊपर फेंकना चालू करता है कुछ स्नोबॉल जिससे मुझे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये फिर मुझे मारना चालू करता है बिना रुके। तो मैं भी इसे अपनी शॉट से मारता हूँ और बिना रुके काफी देर तक मारते रहता और आखिर में मर जाता है। तो फिर इसके बाद कुछ स्नोबॉल भी मुझे मिल जाती है, तो ये सभी मैं रख लेता हूँ अपने पास। फिर मैं सीधा घुसता हूँ इसके अंदर, तो ये भी मुझे
सकता हूँ म्यूटेंट वाला हॉगलिन, और ये बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा था पता नहीं क्यों। तो मैं से बोलता हूँ कि मुझे भेजा है म्यूटेंट स्केलेटन ने तुम्हें मारने के लिए। तो जैसे सुनता है मुझे मारना चालू करता है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा दूर भागना पड़ता है, लेकिन मैं वापस से अपनी शॉट से मारता हूँ इसे, और ये भी मुझे मारता है। उसका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा था, तो मैं इसे काफी ज्यादा हिट मारता हूँ, लेकिन आखिरी में मुझसे डर के भागना चालू कर देता है पता नहीं क्यों। तो मैं भी इसका पीछा करता हूँ और फिर उसके अंदर मैं एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। और मुझे यहाँ पे दिखता है इसका टूटा हुआ दांत, जो कि मुझे लेके जाना था उस म्यूटेंट स्केलेटन के लिए। तो जल्दी से मैं अपने पास रखता हूँ उसको, फिर मैं घुसता हूँ कैसल के अंदर ताकि मुझे कुछ और लूट मिल जाए। तो मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जिससे मुझे मिल जाता है एक बो, तो जल्दी से मैं उसको रख लेता हूँ अपने पास। ऑलरेडी मेरे पास एरोस तो थे, तो जल्दी से मैं इस जगह से बाहर निकल जाता हूँ। और काफ़ी दिनों के चलने के बाद मुझे आखिरकार यहाँ पे मिल जाता है एक पिरामिड, जहाँ पे मुझे दिखता है एक म्यूटेंट हस्क, और इसको भी मुझे मारना था। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है, और मैं से बोलता हूँ कि मैं तुम्हें मारने के लिए, और मुझे भेजा यहाँ पे म्यूटेंट स्केलेटन ने। तो वो बोलता है कि म्यूटेंट स्केलेटन तुम्हें पक्का धोखा देगा, उसने मुझे भी धोखा दिया था। तो इतना सब बोलने के बाद मुझे मारना चालू करता है, तो मैं उसे अपने बो से मारता हूँ, और पता नहीं इसमें ऑटोमेटिकली फायर आ रहा था, तो पता नहीं कैसे तो एक ब्लॉक फेंक फेंक के मारता है मुझे, जो कि सैंड का ब्लॉक होता है। तो मैं जल्दी से उसको मारता हूँ अपने एरो से काफ़ी सारे, और मैं एकदम टॉप में पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पे पहुँच जाता है और मुझे वहाँ से भी धक्का देता है, तो मैं सीधा एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर चुका था। और यहाँ पे मुझे मिलती एक शॉट, जो कि पता नहीं किसकी थी। तो जैसे मैं उसे देखता हूँ, ये तो थी हम लोग की शॉट थी, तो शायद इसने हम लोग के कोई बॉस को मारा होगा पहले। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ इनके बेस में और कूदता हूँ सीधा नीचे, और इस बारी मैं असली अपने पानी में कूदता हूँ, और इस बारी कोई देखता भी नहीं है। लेकिन मैं जल्दी से पहुँचता हूँ उस म्यूटेंट स्केलेटन के पास, मैं उसे बताता हूँ कि मैंने मार दिया हॉगलिन को। तो मैं जल्दी से फेंकता हूँ उसके पास दांत, वो अपने पास रख लेता, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, और मुझे बोलता है कि अब तुम जाओ और उस विच को लेके आओ। तो मुझे नहीं पता था विच को लेने के लिए क्यों बोला था। तो जैसे मैं बुक खोलता हूँ, उसमें वही लिखा होता कि ब्रिंग मी विच। तो मैं पहुँच चुका था विच की हट के पास, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ बॉडीगार्ड थे जो कि शायद याक थे। तो जल्दी से मैं इनको मारना चालू करता हूँ, और ये भी मुझे मारते, और इनका डैमेज बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, तो मैं इनको दूर से ख़त्म कर देता हूँ अपनी बो से। और मैं सीधा जाता हूँ उसके हट के पास, तो जैसे देखती है बाहर आती है मेरे पास, तो मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे म्यूटेंट स्केलेटन ने भेजा और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। तो ये मुझे बताती कि वो तुम्हें कभी भी धोखा देगा और तुम्हें मार देगा अपना काम खत्म होने के बाद, उसने इसके साथ भी वही करने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है एक म्यूटेंट हॉगलिंग, जिसको कि इस विच ने बनाया था, और ये विच पता नहीं यहाँ से भाग जाती है, और म्यूटेंट हॉगलिन मुझे मारना चालू करता है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। तो भागते भागते मैं पहुँच जाता हूँ कोई डेड वाले बायो में, और यहाँ पे जैसे मैं इसे एक एरो का शॉट मारता है, पता नहीं खोल जाता है और भागना चालू करता है मेरे पीछे। तो पता नहीं एक जगह पे फंस जाता है शायद, तो मुझे यहीं पे दिखता है घर। तो मैं जल्दी से इसके अंदर छुपने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ से भी इसको कुछ हिट मारता हूँ, और पता नहीं यहाँ पे एक जॉम्बी हॉर्स क्या कर रहा था। तो जैसे एक फाइट मारता है वो भी मर जाता है, तो मैं इससे और ज़्यादा नहीं भाग सकता था। तो मुझे यहाँ पे एक पोशन दिया था उस म्यूटेंट स्केलेटन ने, जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में होगा। जैसे मैं फेंकता हूँ, मैं यहाँ पे बन जाता हूँ एक म्यूटेंट विद अ स्केलेटन, जो कि और भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था मैं। तो मेरी हेल्थ अभी 3 गुना हो चुकी थी। तो जल्दी से जैसे मुझे देखता है मेरी तरफ भागना चालू करता है, तो मैं इसे मारता हूँ कुछ फाइट, और मैं एक ही फाइट में अब इसको ख़त्म कर देता हूँ। पर लेकिन पता नहीं कुछ देर के बाद मैं वापस से छोटा वाला विद अ स्केलेटन बन जाता हूँ, शायद उसने सिर्फ कुछ देर के लिए दिया था टेम्प्रेरी यूज़ के लिए। तो मैं वापस से पहुँचता हूँ विच हट के पास, और फिर मैं इसे कुछ डील करता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ कि तुम मुझे वो पोशन दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तो मेरे पास जो म्यूज़िक डिस्क था, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, तो मैं उसे वो दे देता हूँ, और उसके बदले वो मुझे दे देती है वो पोशन, जिसकी मदद से मैं बन सकता था म्यूटेंट स्केलेटन, वो भी हमेशा के लिए। तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, और फिर हम दोनों की डील खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ, और फिर बोट से होते हुए मैं उस जगह पे पहुँचता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ तो अजीब सा जानवर था, जो कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा भी था। तो जैसे मैं इसके पास जाता हूँ, ये मुझे बोलता है कि तुम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो मुझे आता है बहुत गंदा वाला गुस्सा, तो मैं इसे मारता हूँ अपनी बो से, तो मुझे वापस से मारना चालू करता, और पता नहीं एक फाइट मारता और पूरा खूना खून हो जाता हूँ मैं। तो मैं इसे कुछ हिट मारता हूँ बिना रुके, और यहाँ पे जो मेरे पास शॉट थी नई वाली, वो बहुत ही ताकतवर थी, तो उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं सीधा पहुँचता हूँ इसके बेस में, और यहाँ पे जैसे मुझे देखता है ये मेरे पास भागते हुए आता है, और पता नहीं मुझे एक हिट क्यों मारता है। तो जब मैं इसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो ये मुझे बताता है कि वहाँ पे केज है, वहाँ पे देखो कौन है। तो जैसे मैं जाता हूँ, यहाँ पे थी वही वाली विच, और पता नहीं इसको इसने कैसे कब्जे में कर लिया। तो ये बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला। तो विच को बाहर निकालता है और एक फाइट में उसको ख़त्म भी कर देता है। तो फिर आता है मेरे पास और बिना रुके मुझे मारना चालू करता है, और बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। पर लेकिन इसको नहीं पता था कि मेरे पास पोशन था। जैसे मैं पोशन पीता हूँ, मैं एकदम से बड़ा होना चालू हो जाता हूँ, और मैं बन चुका था म्यूटेंट विद अ स्केलेटन वापस से, और इस बार मैं परमानेंटली था। तो जैसे मैं उसे मारने जाता हूँ, पता नहीं वहाँ से गायब हो जाता है। तो अब मुझे उसको ढूंढ के मारना था, तो जल्दी से मैं इस जगह से बाहर निकलता हूँ। और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद मैं एक जंगल में था, और मैं ढूंढने आया था अपना पोर्टल, वो मुझे मिल भी जाता है। लेकिन उसके पास था एक म्यूटेंट क्रीपर, जिसको कि शायद उस म्यूटेंट स्केलेटन ने रखा होगा। तो मैं उसके पास जाता हूँ उससे बात करने के लिए, और वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, तब तक मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा नेदर में। तो मैं उसे बोलता हूँ ठीक है, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और पता नहीं इसे तोड़ भी दिया था, और यहाँ पे मारना चालू करता है मुझे बिना रुके। तो मैं भी इसे अपने कुछ एरो से मारता हूँ, और फिर इसके बच्चे भी आ जाते हैं, जो कि बिना रुके फटना चालू करते हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत आग भी लग जाती है। तो मैं इसे अपनी शॉट से मारता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और आखिरी में फटते टाइम में मुझे खींचता है अपनी तरफ और एकदम से फट जाता है। अच्छा, वो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, वरना मैं मर चुका होता। यहाँ पे मुझे इसका एग भी मिलता है,
जिसे मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ वो भी फट जाता है। तो अच्छा मेरे पास यहाँ पे था फ्लिंट एंड स्टील, मैं जल्दी से इसको एक्टिवेट करता हूँ अपने पोर्टल को और मैं पहुँच चुका था अभी वापस से नेदर में। तो मुझे यहाँ पे दो लोग से बदला लेना था, एक था घास्ट और एक था पिगलिंग बीस। तो मैं जल्दी से पहुँच जाता हूँ फोर्ट्रेस के बाहर जहाँ पे काफ़ी सारे मुझे दिखते हैं यहाँ पे घास्ट, तो उनको मारना चालू करता हूँ और पूरी जगह को इन लोगों ने ख़राब कर दिया था। तो मैं एक एक करके इनको निपटाता हूँ और एक को तो मैं दूर से मार देता हूँ। तो मैं देखता हूँ तो मेरी तरफ कोई तो आ रहा था, जैसे पास में आता है मुझे मालूम चलता है ये तो नेक्रोमेंसर भाई था। तो जैसे मुझे देखता है पहले मुझे पहचानता नहीं है और मैं से बताता हूँ कि मैं वो विदर स्केलेटन था। तो ये फिर खुश हो जाता है, उसके लिए मुझे बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर जैसे मैं इसका पीछा करता हूँ और तभी यहाँ पे आ जाती वही वाली घास जो कि इसको मारना चालू कर देती है। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये उसके पीछे पड़ी हुई थी शायद, तो बिना रुके उसको मारना चालू करती है फायरबॉल से। तो दो तीन फायरबॉल मारती है और जैसे लास्ट फायरबॉल मारती है वो मर जाता है। तो मैं ये सब देखता हूँ और मैं कूदता हूँ सीधा और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो यहाँ से भागने की कोशिश करती है बिना रुके। तो मैं इसका पीछा करते रहता हूँ और पता नहीं ये मुझे एक जगह पे लेके आती है जहाँ पे काफ़ी सारे घास और म्यूटेंट ब्लेज मेरे ऊपर बिना रुके हमला करना चालू करते, पूरे फायरबॉल फेंकते। तो इसमें से काफ़ी सारे मुझे लग जाते हैं और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम होना चालू हो जाती है। तो मैं पहले इनको दूर से मारता हूँ कुछ म्यूटेंट ब्लेजेस को और एक को तो मैं अपनी शॉट से मारता हूँ और ये लोग उड़ सकते थे तो इसलिए इनको मारना थोड़ा मुश्किल था लेकिन ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ विदर स्केलेटन्स के टाउन में जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, कोई भी जिंदा नहीं था। यहाँ पे मुझे दिखती हुई वाली घास्ट और मेरे ऊपर बिना रुके फायरबॉल फेंकना चालू करती है। तो मैं भी उसे डॉच करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत गंदे में मुझे डैमेज पहुँचता है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और इसको दूर से मारने की कोशिश करता हूँ, एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाती है। तो अब मैंने अपने नेक्रोमेंसर दोस्त और जितने भी थे विदर स्केलेटन उन सबका बदला ले लिया था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने पोर्टल की तरफ। तो काफ़ी दिन तक चलने के बाद मैं आखिरकार पहुंच चुका था पोर्टल के पास, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे खड़ा था एक पिगलिंग बीस जो कि मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे नहीं पता कि इसको कैसे पता चला कि मैं यहीं से जाऊँगा। उसके बाद ये मुझसे बोलता है कि जो हमारी म्यूजिक टेप थी वो हमें वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैं बोलता हूँ वो तो मैंने किसी और को बेच दिया था। तो मुझे बिना रुके मारना चालू करता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें मार के रहूँगा, उसके बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो बिना रुके अपने जो एकदम खतरनाक वाला हथियार था उससे मारता है। तो मैं भी उसे कुछ हिट मारता हूँ लेकिन इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा गंदा था और एक ही हाथ से मार रहा था सिर्फ। और मैं ये भी सोच रहा था कि ये लावा के बाहर आया कैसे जबकि लावा से बाहर तो नहीं आ सकता था। तो ये मुझे फेंक देता कहीं नीचे, मैं इसे बिना रुके मारता हूँ और जैसे एक लास्ट हिट मारता हूँ यहाँ पे मर जाता है ये। तो बेचारा ये तो फालतू में मरा यार। तो मैं वापस से आ जाता हूँ अपने पोर्टल में और सीधा पहुँच जाता हूँ नॉर्मल वाले वर्ल्ड में क्योंकि अब मुझे ख़त्म करना था उस म्यूटेंट स्केलेटन को। तो मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ पे मिलेगा। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक विलेज और यहाँ पे था एक म्यूटेंट जॉम्बी जो कि काफ़ी सारे विलेजर्स को मार रहा था बिना रुके। तो मैं भी पहुँचता हूँ और पता नहीं कैसे क्या मौसम ख़राब हो जाता है। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मारना चालू करता है और फिर मुझे पता चलता है कि ये भी काम करता है उस म्यूटेंट स्केलेटन के लिए। तो मैं से पूछता हूँ कि वो अभी कहाँ पे है लेकिन ये मुझे कुछ बोलता नहीं और बिना रुके मारना चालू करता है। तो मैं भी इसे अपने कुछ एरो से मारता हूँ जिसकी वजह से इसको थोड़ी बहुत आग लग जाती है लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा खोल जाता है एकदम से और काफ़ी सारे जॉम्बीज को भी स्पॉन कर देता है। तो मैं सीधा कूदता हूँ पानी में और यहाँ पे वापस से जिंदा हो चुका था ये। तो मैं इसे वापस से मारता हूँ एक दो हिट और फिर से मर जाता है लेकिन ये फिर से जिंदा हो जाता है और पता नहीं कौन सा अमृत पी के आया था। एक फाइट मारता हूँ और मैं एकदम आसमान में कूद जाता हूँ और सीधा गिरता हूँ पानी में और अब पानी में से लास्ट हिट मारता और मर जाता है, शायद पानी इसकी कमजोरी थी। तो मैं जल्दी से जगह से बाहर निकल जाता हूँ और मरने से पहले उसने मुझे बोल दिया था कि वो मिलेगा कॉलेजियम में। तो मैं पहुंच चुका था कॉलेजियम में जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह थी। मैं जैसे इसके पास जाता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे था एक म्यूटेंट एंडरमैन और पता नहीं इतने सारे म्यूटेंट क्रिएचर क्यों है इस वर्ल्ड में। और जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम इस जगह से आगे नहीं जा सकते। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे मारने जाने म्यूटेंट स्केलेटन को। तो जैसे सुनता है बहुत ज़्यादा खोल जाता है और मुझे मारना चालू करता है तो कुछ हिट मारता है और इसका भी डैमेज बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मुझे थोड़ा दूर भागना पड़ता है, जैसे एक मैं से एरोस का शॉट मारता हूँ और पता नहीं पूरा एरिया काला कर देता है। तो काफ़ी देर तक है तो मुझे कुछ दिखता नहीं, फिर एकदम से गायब हो जाता है और फिर मैं इसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ और पता नहीं बीच बीच में यहाँ वहाँ हो रहा था टेलीपोर्ट और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था इसको मारना। उसके चार चार हाथ भी आ गए थे तो भी मैं इसे मारना चालू करता हूँ बिना रुके और यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट हो ही रहा था लेकिन एक जगह मैं हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। और पता नहीं कुछ तो अजीब सा होता है मेरे आजू बाजू में और मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। मैं जल्दी से कुछ ब्रेड खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी और मुझे यहाँ पे दिखते काफ़ी सारे एंडर पल, इसको मैं रख लेता हूँ शायद मुझे काम आ जाए कुछ। तो जल्दी से इन सबको लेके मैं अंदर घुसता हूँ। मुझे दूर में दिखता हुआ म्यूटेंट स्केलेटन जैसे मुझे देखते मेरे तरफ भागते हुए आता है और फिर उसके बाद बोलता है कि अब तो तुम मरोगे और काफ़ी सारे स्केलेटन्स को यहाँ पे स्पॉन कर देता है। तो मैं इनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ लेकिन ये लोग मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज देते हैं क्योंकि एक तो अगर एक होता तो ठीक था, यहाँ पे काफ़ी सारे आ चुके थे और पता नहीं मुझे आग कैसे लग जाती है। मैं इनको बिना रुके मारना चालू करता हूँ अपनी शॉट से उनके पास जाके, तो इनको मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। तो ये सब देख के जो म्यूटेंट स्केलेटन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे बिना रुके मारना चालू करता अपने बो एनरो से। तो मैं यहाँ वहाँ फेंकना चालू करता हूँ एंडर पल, तो मैं कुछ शॉट से तो बच जाता हूँ लेकिन आखिर मैं इसे अपनी शॉट से मारना चालू करता हूँ तो ये भी मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज देता है और पता नहीं कैसे क्या मौसम ख़राब हो जाता है। और फिर मैं इसे कुछ और हिट मारता हूँ और जैसे लास्ट हिट मारता हूँ ये पूरी तरीके से बिखर जाता है, पूरी इसकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ पड़ी होती है। तो मैंने आखिरकार इसको भी ख़त्म कर दिया था और जितने भी बॉसेस ने मुझे परेशान किया था मैंने सबको ख़त्म कर दिया था और अभी मैं शायद आखिरी यहाँ पे म्यूटेंट बाकी था जो इस वर्ल्ड में।
तो बस यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।